हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हैं यहां पर लक्ष्य YouTube चैनल। गाइस चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे एंड गाइस मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सब गाइस, तो आज की वीडियो यार बहुत धमाकेदार होने वाली। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप एक फेक व्हाट्सएप नंबर, मतलब कि फेक नंबर से व्हाट्सएप को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखना, अगर आप एक भी स्टेप मिस करोगे तो आपका नंबर फेक व्हाट्सएप नहीं क्रिएट होगा। आपने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी, मैंने भी काफ़ी सारे भाइयों यूट्यूबर्स की वीडियो देखी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे कैसे क्या स्टेप करना है एंड फेक व्हाट्सएप को क्रिएट करना है। आपने भी देखी होगी बट आपका फेक व्हाट्सएप नहीं क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। देखो, मैं जिस ऐप का नाम बताने वाला हूँ, ठीक है, उस ऐप का नाम सुनते ही वीडियो को कट ना कर देना, वीडियो को मतलब छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि देखो हर एक यूट्यूबर उस ऐप का नाम जरूर लेता है एंड उस ऐप के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो बहुत कम यूट्यूबरों ने बताया होगा कि ऐसे करने से आपको वो नंबर मिल सकता है, फेक व्हाट्सएप आपका क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सो ऐप का नाम सुनते ही आपको वीडियो कट नहीं करनी है, वीडियो को पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेप फॉलो करनी है एंड आपका जो फेक व्हाट्सएप है गाइस क्रिएट हो जाएगा। तो देखो, ऐप का नाम गाइस है टेक्स्ट नाउ, ठीक है, ऐप का नाम है गाइस टेक्स्ट नाउ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नहीं गाइस, आप जा सकते हैं प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन और उसको आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको उसमें मांगता है लॉगिन का ऑप्शन। देखो, लॉगिन आप अपने ईमेल एड्रेस से भी कर सकते हो, ठीक है, ईमेल एड्रेस से आप उसमें लॉगिन कर सकते हो, बट देखो उसमें मैं कहूँगा आप टेम्प मेल से लॉगिन करो, ठीक है। टेम्प मेल क्या होता है, टेम्प मेल यानी कि टेम्परेरी ईमेल एड्रेस, उससे आप कॉपी लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद जो आपका ऐप है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो, आपने बहुत सारी यार वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, उसमें दिखाते हैं कि गाइस ऐप ओपन होता है, आप में कंट्री कोड आप डालते हो, कंट्री कोड डालने के बाद आपको नंबर्स मिलते हैं, नंबर्स मिलने के बाद आप एक एक या नंबर ट्राई करते हो, नंबर नॉट वैलिड बताता है एंड आपका नंबर व्हाट्सएप क्रिएट नहीं होता है, आप थक जाते हो, फिर कहते हो भाई साहब हटाओ यार मुझसे नहीं होने वाला। बट मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ उससे 100% गाइस आपका जो व्हाट्सएप है क्रिएट हो जाएगा। अगर व्हाट्सएप क्रिएट नहीं होता फिर भी आपको टेंशन ले रहा है, उसका भी मेथड बता दूंगा। अब आपने ऐप को कर लिया है डाउनलोड, ऐप में हो चुके हैं आप लॉगिन, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कंट्री कोड दिख रहा होगा, इस कंट्री कोड को देखो, जब आप ऐप ओपन करोगे वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि सेलेक्ट योर कंट्री, कि आप अपनी लोकेशन खुद चूज करना चाहते हो या फिर नहीं, नीचे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको वहाँ पे जो मैं कंट्री कोड दे रहा हूँ उसको वहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद गाइस ऐप आपका ओपन हो जाएगा। देखो, ऐप ओपन होने के बाद जिस स्टेप पे आपको नंबर शो होते हैं ना ऐप के अंदर, उसके आगे आपको कंटिन्यू करना नहीं करना है, वहाँ पे आपको रुक जाना है। आपको क्या करना है, दो फोन लेने हैं, ठीक है, एक फोन में जो आप जिसमें एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करे हो, दूसरे फोन जिसमें आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये स्टेप गाइस मेन है, इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। मान लो ये ऐप, ये फोन है जिसमें मुझे व्हाट्सएप क्रिएट करना है, ये फोन है जिसमें मैंने ऐप को ओपन करके रखा है टेक्स्ट नाउ को, ठीक है। तो इसमें जो नंबर मुझे गाइस दिख रहा है, अब आपको करना क्या है, अपने व्हाट्सएप खोल के रखना है, एक एक नंबर जल्दी जल्दी होते हो ऊपर 60 सेकंड में आपको दो तीन नंबर आपको ट्राई कर लेना है, जो नंबर वैलिड होगा आपका जो व्हाट्सएप होगा खट से क्रिएट हो जाएगा। बस आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा कंटिन्यू का ऐप के अंदर, बस आपको ऐप के अंदर कंटिन्यू कर देना है, आपका जो व्हाट्सएप है गाइस क्रिएट हो जाएगा। अगर आप उस झंझट में पड़ोगे कि जिसमें ऐप है और उसी में ही व्हाट्सएप अगर उसी फोन में क्रिएट कर रहे हो, तो गाइस मैं बता दूं यार आपको बहुत दिक्कत आने वाली है एंड आपको बहुत टाइम लग जाएगा यार व्हाट्सएप को क्रिएट करने में, ठीक है। सो मेरी ये बात याद रखना, दूसरे फोन में व्हाट्सएप को क्रिएट करना एंड दूसरे फोन में आप ऐप का यूज करना, बाद में आप व्हाट्सएप उसमें ले सकते हो क्योंकि नंबर ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी आपका ऐप नहीं क्रिएट हो रहा है, व्हाट्सएप नहीं क्रिएट हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो भाई वो टेंशन नहीं लेना है, लिंक है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए एंड वहाँ पे भाइयों मैसेज कर दीजिए कि भाई मुझे ये दिक्कत आ रही है, मेरा व्हाट्सएप नहीं क्रिएट हो रहा है, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन बता दूंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो आपको वहाँ पे मैं कॉल पे समझा दूंगा, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।